नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। पीपुल्स के लिए जो पॉलिटिक्स करेगा वही चुनाव जीतेगा, ये बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दी है। सुलगाना बड़ा खतरनाक होता है, सुलगाना नहीं चाहिए। और ये काम एक टीवी चैनल पर हुआ, मैं एक वीडियो की क्लिप बड़ी माफी और माजरत के साथ आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। ये क्लिप देखिए और फोकस ऑन राइटिंग योर थर्ड बुक ऑन हाउ द बीजेपी विंस 2024। Good. At least you are promoting my book on air. I'm glad. I mean, Malia, why are you so angry? You know, the other day I wrote a blog which said the Congress is leading in Karnataka. No less than B.L. Santosh, and you attacked me. I'm amazed. Don't give me so much importance, sir. I'm a simple man. Smile. Why don't you smile? I can send some Mysore Pak for you. We don't. I've got some Mysore Pak. You are of no use. You are a propagandist. You should retire. You are 58. Okay. You should go. I've been telling you, I tell you every election, but you refuse to. You should go and prostrate in front of Sonia Gandhi and ask her to give you a Rajya Sabha seat for the services that you do for the Congress. Sir, you go lower and lower. The lower you go, the higher I will climb. I will smile every time you give these low jibes. You are from the party of Vajpayee and Advani. This is the party of Vajpayee and Advani. You don't reduce it to personal jibes. The great Mr. Vajpayee would lose elections, that's why. You don't intimidate me. Don't intimidate me, sir. Please. But have a good day. Have a good day. I'm going to send you my sofa. I promise you. Yeah, here it is. तो देखा आपने, हार हजम करना आसान नहीं होता। बीजेपी के प्रोपेगेंडा मैन अमित मालवीय और इंडिया टुडे के बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई के बीच ये तूतू में बहस हो गई जब नतीजों पर चर्चा की जा रही थी। आप चेहरा देखिए, कितनी नाराजगी, कितना दर्द है और चोट गहरी है, ये बात समझ आती है। हाल फिलहाल में कोई मरहम भी काम नहीं आएगा, इतनी गहरी चोट है। मैं आज कार्यक्रम में पांच चीजें बताने वाला हूं और ये पांचों बातें ये बताती हैं कि चोट ही नहीं दी है कांग्रेस ने बीजेपी को, बल्कि एक मारक और जिताऊ फॉर्मूला भी तलाश लिया है कर्नाटक से कांग्रेस ने जीत का। आज नाचते गाते कांग्रेसी देखे गए मीडिया के कैमरों के सामने, बड़े हंसते हुए बात करते हुए कांग्रेस के नेता देखे गए। जीत का जोश दिखाई दे रहा था। कांग्रेस दफ्तर पर कई साल बाद ऐसे जश्न के नजारे देखने को मिले। कांग्रेस में कर्नाटक की प्रचंड जीत की तरफ बढ़ने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को कर्नाटक जीत का क्रेडिट भी दे दिया, इसमें भी उन्होंने देरी नहीं की। दक्षिण भारत का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में बीजेपी का किला ध्वस्त करके कांग्रेस निश्चित तौर पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। फिलहाल किसी बड़े राज्य में लंबे वक्त के बाद कांग्रेस को जीत मिली है और यह जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। हाँ, वैसे तो हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कर्नाटक में सबसे ज्यादा धक्का जिसे लगा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रांड मोदी। इसके कुछ कारण हैं, एक एक करके मैं उन कारणों पे आऊंगा, एक एक करके मैं उन कारणों के बारे में आपको बताऊंगा। ये बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं, इनके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इस पूरे चुनाव में हमने कई सारी चीजें देखी हैं। पहली बार तो यह है कि ये पिछले तीन दशकों में कर्नाटक में हुए सभी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। 1994 में 115 सीटें जीती थी, 33% से ज्यादा वोट मिला था जेडीएस को, एचडी देवेगौड़ा उस समय बने। 1999 132 सीटें जीती कांग्रेस की। 2004 में 79 सीटें बीजेपी ने, 2008 में 110 सीटें बीजेपी ने, 2013 में 122 सीटें कांग्रेस ने सिद्धारमैया के नेतृत्व में, 2018 में 104 सीटें बीजेपी ने जीती थी बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में। रिकॉर्ड 1989 का है जब कांग्रेस ने 178 सीटें जीती थी और 43% से ज्यादा वोट हासिल किया था वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में। लेकिन इस बार तो कमाल हो गया, इस बार कांग्रेस ने जो वोट हासिल किए उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इसको सिर्फ ये कह दें कि यह मुंबई की हार है तो बड़ी बेमानी होगी, ये गलत बात होगी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह कहना इसलिए भी गलत होगा क्योंकि जिस मांड्या में मोदी और योगी दोनों गए और दो दो बार गए, रोड शो किया, रैलियां की, भाषण दिए, वहां बीजेपी बुरी तरह से परास्त हुई है। कर्नाटक के मांड्या जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, मालवल्ली, मद्दूर, मेलकोट, मांड्या, श्रीरंगपट्टम, नागमंगला और कृष्णराजपेट। हाल क्या हुआ इन जगहों का बीजेपी के लिए, ये आंकड़े बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अप्रैल को मांड्या में एक बड़ा भव्य रोड शो किया था और जनसभा करते हुए कर्नाटक में अपनी पहली उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई थी इस चुनाव में। योगी आदित्यनाथ के जरिए
बीजेपी मांड्या में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करना चाहती थी। दरअसल ये जगह भी काफी खास है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय के प्रति निष्ठा रखते हैं, जिसके वो महंत हैं, उसका एक मठ आदि चुनचुनगिरी मठ मांड्या जिले में ही आता है, चुनचुनगिरी में स्थित है ये। लेकिन दांव काम नहीं आया बीजेपी का, और ये हार बीजेपी की है, मुंबई की है। इससे बहुत बड़ी चीज ये है कि ये हार नरेंद्र मोदी की और योगी की है, और उस नैरेटिव की है जिसके दम पर इलेक्शन बीजेपी जीतती है, और 24 के चुनाव में नए नैरेटिव पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, इसके संकेत मिलने लगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की जो दस्तक दी, करीब 3 चरणों में यात्रा यहां पर चली, और उन्होंने कर्नाटक में 500 किलोमीटर का पैदल सफर किया, 500 किलोमीटर की पदयात्रा की। राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक के करीब करीब 7 लोकसभा सीटों से निकली, 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं से निकली, कुल 52 विधानसभा क्षेत्र इसने कवर किए, और नतीजा यह हुआ कि इन इलाकों में बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दी, हर जगह हारी है। इन इलाकों में करीब 32 सीटों पर तो सीधे सीधे कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। तो यह स्पष्ट बात है कि जो सड़क पर रहेगा, जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता की बात करेगा, जो जनता के लिए लड़ेगा, वही जीतेगा। यह बात स्पष्ट हो गई, सामने चाहे मोदी मीडिया हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर मारक कैंपेन क्यों ना हो। दक्षिण के 5 बड़े राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सिर्फ कर्नाटक ही ऐसा सूबा था जहां पर बीजेपी का जनाधार है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी लगातार मशक्कत कर रही है, उसका जनाधार नहीं है। इन सूबों में पैठ बनाने के लिए संघ हाथ पैर मार रहा है, संघ काफी काम कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई बड़ी सफलता उसके हाथ लग रही है। चारों सूबों में बीजेपी चाहकर भी मजबूत पैठ नहीं बना पा रही, मजबूत टीम नहीं बना पाई है। कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथों से जाने से उसके मिशन साउथ को एक गहरा झटका लगा है, और झटका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस झटके के बाद राहुल ने ऐलान कर दिया कि मोहब्बत की दुकान खुल गई। यानी चौथा संकेत यह है कि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का अपने मैनिफेस्टो में जिक्र करके जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जो प्रयोग करने की कोशिश की, वो सफल रहा, कामयाब हो गया। और ये संकेत है कि देश नफरत की राजनीति से उबने लगा है, उबन होने लगी है, और ये उब कर्नाटक के नतीजों में दिखाई देती है। नतीजों से यह भी साबित हो रहा है कि राहुल ने सही गोल किया है, सही गोल में बॉल डाली है। पांचवी बात यह है कि राहुल गांधी जो अमीर गरीब की लकीर बार बार दिखा रहे हैं ना लोगों को, वो लोगों को समझ आ गई कर्नाटक में। राहुल ने ट्वीट भी किया कि गरीबों की शक्ति ने बीजेपी के पूंजीपति मित्रों की ताकत को हराया है। बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट है। अडानी मामले में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो साबित हो गई कि बीजेपी या मोदी अमीरों के प्रधानमंत्री है, यह कहना भी कांग्रेस चाह रही थी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कर्नाटक के एग्जिट पोल में जो सर्वे हुए उस सर्वे में यह साफ दिखाई दे रहा था कि कर्नाटक में 50% से ज्यादा गरीबों ने कांग्रेस को वोट किया है और अमीरों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। कांग्रेस का यह प्रयोग भी कर्नाटक में सफल रहा कि प्रो पुअर पॉलिटिक्स 24 में भी सत्ता की चाबी कांग्रेस को दे सकती है अगर सही तरीके से किया जाए तो। लेकिन 2008 के 2023 के बीच का अगर आप वक्फा देखें, जब बीजेपी का पतन और उदय दोनों हुआ, यह सवाल उसी में छिपा हुआ है कि आखिर कर्नाटक में कांग्रेस का बहुमत की ओर बढ़ना उस ट्रेंड का भी दोहराया है जिसमें 1985 के बाद यहां कोई भी सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2008 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव स्वर्णिम चुनाव था, ऐतिहासिक चुनाव था। यह चुनाव ऐसा था जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत के एक राज्य में अपनी सरकार बनाई थी, पहली बार। बीजेपी ने उस चुनाव में 110 सीटें जीती और उस चुनाव में उसको यह कामयाबी मिली। तब कर्नाटक में बीजेपी की कमान येदियुरप्पा के पास थी। येदियुरप्पा उस समय बड़े नेता थे लिंगायतों के और वही मुख्यमंत्री भी बने थे। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए येदियुरप्पा को कुछ और विधायकों की उस चुनाव में जरूरत थी और यह काम बेल्लारी के रेड्डी भाइयों ने किया था, मदद की थी येदियुरप्पा की। रेड्डी भाइयों ने तब 6 निर्दलीय विधायकों को बीजेपी के पाले में किया था और इसके साथ ही येदियुरप्पा के पास सामान्य बहुमत का इंतजाम हो गया था और इंतजाम होने के बाद उनकी रास्ते साफ हो गए थे। बीजेपी के पाले में इन विधायकों को लाने की प्रक्रिया जो थी, इस प्रक्रिया को ही ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया था। बड़ा मशहूर हो गया यह ऑपरेशन, उसके बाद कई राज्यों में हुआ। ऑपरेशन लोटस काफी चर्चित अभी तक है, इस बार भी चुनाव में कहा जा रहा था। 6 विधायकों में से 5 को येदियुरप्पा कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था उस दौरान, लेकिन रेड्डी भाइयों से मदद लेकर बीजेपी सरकार बनते ही एक नया सवाल खड़ा हो गया, कटघरे में आ गई ये सरकार, क्योंकि इन पर अवैध खनन से पैसा बनाने के गंभीर आरोप लगे थे।
इसी का नतीजा यह हुआ कि येदुरप्पा के ऊपर एक दाग चस्पा हो गया। 3 साल बाद ही उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, भ्रष्टाचार का दाग उनके ऊपर चस्पा हुआ। इससे पहले येदुरप्पा 2007 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बन चुके थे। येदुरप्पा जेडीएस के समर्थन वापस लेने के कारण विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कर्नाटक में यह सब बहुत बारीकी से चल रहा था। कर्नाटक में अब तक केवल 3 सीएम ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, और ये तीनों के तीनों मुख्यमंत्री जो हैं वो कांग्रेस के हैं। ये तीनों मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ा, जिसमें एस निजलिंगप्पा, डी देवराज उर्स और सिद्धारमैया हैं। ये तीन ही हैं जिन्होंने पूरा काम किया। अवैध खनन मामले में कर्नाटक लोकायुक्त की रिपोर्ट में येदुरप्पा का भी नाम था और येदुरप्पा इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन मजबूरी बन गई। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसा था, उसने कहा कि भाई आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। 2012 में येदुरप्पा बीजेपी से अलग हो गए। उन्होंने कर्नाटक में 2008 से पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 30% से 36% के बीच किया था, बढ़ाया था, जबकि इसी दौरान प्रदेश में कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 35-38% के बीच रहा था। दूसरी तरफ जनता दल सेक्युलर का जो वोट प्रतिशत था वो 18-20% के बीच रहा था। तीनों पार्टियों का जो वोट शेयर है उसको अगर आप देखें तो जातीय गोलबंदी की एक अहम भूमिका इसमें नजर आती है। इस चुनाव में जरूर कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 40+ गया है और 40 के पार जाने के कई मायने भी हैं। कर्नाटक में बीजेपी के उभार की जो शुरुआत होती है वो 90 के दशक से होती है, और इसे 2 कारण की वजह से माना जाता है। पहला तो लिंगायत वीर शैव का समर्थन मिला, दूसरा हिंदुत्व की राजनीति का उभार बीजेपी ने बड़े बारीकी से किया, करीने से किया, और इसके अलावा थोड़ा बहुत वोक्कालिगा और कर्नाटक के जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनके साथ साथ अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं उनको भी जोड़कर बीजेपी ने एक ऐसा गठजोड़ बनाया था कि वो सरकार में आ जाती थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार इस गणित को खराब कर दिया, इस गलत को बिगाड़ रणनीति भी कर्नाटक में रही है कि वो दूसरे नेताओं को लेती है, ताकतवर मजबूत अलग अलग जातियों के नेताओं को लेती है जिसमें ब्राह्मण शामिल होते हैं, लिंगायत होते हैं, वीरशैव और उनकी उपजातियां होती हैं, वोक्कालिगा होते हैं, कुरवास होते हैं, छोटी पिछड़ी जातियां होती हैं, अनुसूचित जनजाति के नेता होते हैं, इनको लेके वो आते हैं और उनकी जगह पर जाकर अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। बीजेपी का कोई अपना आधार नहीं है। कांग्रेस ने इस बार वो कामयाब नहीं होने दिया कर्नाटक में, और इसकी वजह से भी कांग्रेस ने सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। अपने दम पर बीजेपी नहीं खड़ी हो सकती कई इलाकों में। इस बार बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता कांग्रेस में चले आए, इसलिए कांग्रेस की हालत मजबूत हो गई और बाकियों की हालत खराब हो गई। यह स्थिति बहुत स्पष्ट नजर आ रही थी कर्नाटक में। तो यह एक बहुत स्पष्ट जीत जो कांग्रेस को मिली है कर्नाटक में, इसके कई परिणाम निकलेंगे। अगले आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश का चुनाव होना है, राजस्थान का चुनाव होना है, फिर लोकसभा चुनाव होना है। निश्चित तौर पर जो प्रचंड जीत मिली है उसका पावर प्लान यह है, उसका पावर पंच यह है कि भारतीय जनता पार्टी भीतर से हिल जरूर गई होगी, क्योंकि 130 सीटें आती हैं इस पूरे इलाके में, दक्षिण के इलाके में, यहां बीजेपी का असर नहीं है। क्या सवाल यही है कि क्या 24 में सत्ता का रास्ता दक्षिण से निकलेगा, कांग्रेस के उभार का रास्ता दक्षिण से निकलेगा? अगर इसका जवाब हां है तो निश्चित तौर पर 24 में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, और यह भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ये चुनाव क्यों जीती। बहुत शुक्रिया।